डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है, मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है, सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कहते हैं नहीं। पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा। डराना और परिवार को बचाना, यह है पूरा मामला। मैं पुनः इसको कहूंगा, महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है। मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदारना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें, उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पाल साहब थोरात, प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले, ये तमाम इतने बड़े नेता हैं। थोड़ा पीछे हो जाओ बस। अशोक सर, भले सर,